दोस्तों फाइनली BGMI वापस आ चुका है। फिर से लोगों ने BGMI को खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों बहुत सी लोगों के फोन में BGMI अभी तक लैग कर रहा है, फोन हैंग कर रहा है। उसके साथ साथ जो फोन का FPS है वो भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है और जो ग्राफिक्स है वो बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि दोस्तों आपके फोन के अंदर जो हीटिंग सेटिंग करना चाहिए था वो आपने अभी तक किया ही नहीं है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर आपको मैं दे रहा हूँ 5 हिडन सेटिंग, और वो हिडन सेटिंग अगर आपका फोन पे आप अप्लाई करोगे तो मैं 101% गारंटी दे सकता हूँ आपका फोन में BGMI एकदम स्मूथली चलेगा 90 FPS के साथ। उनमें से जो हिडन सेटिंग बहुत ही तगड़ा होने वाला है और वो अप्लाई करने के बाद आप जब भी BGMI खेलेंगे ना आपका फोन लैग होगा, ना आपका फोन गर्म होगा, ना आपका फोन हैंग करेगा। इतनी कमल के सेटिंग्स में इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं जब भी ऐसा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वीडियो अपलोड करूंगा वो तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाए जल्दी से। और दोस्तों एक बात, हमारा चैनल का एम है 1K, जल्दी से कर दो गाइस, एक ही रिक्वेस्ट है मेरा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलो मैं आप लोगों को वो 5 हिडन सेटिंग के बारे में आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आपके आपका फोन का जो मेन सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। और दोस्तों एक बात, कई कई फोन पे ना सेटिंग ना थोड़ा सा डिफरेंट नाम का रहता है, तो फिर ध्यान से देखना वीडियो को, बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना। कई लोग ना स्किप कर देते हैं और उन लोगों को सेटिंग क्या है समझ में ही नहीं आता, तो आप लोग बिना स्किप करके वीडियो को एंड तक देखो। तो सबसे पहले ना आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है। आप लोगों को तो पता ही है कैसे डेवलपर ऑप्शन इनेबल करते हैं। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसका नाम है ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस, ठीक है। ये वाला ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आपका जो गेम है मतलब BGMI उसको ढूंढ लेना है। उसको ढूंढ के वो ना देखो उधर एक डिफॉल्ट वाला ऑप्शन पे सेट रहेगा, उसको सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पे सेट कर देना है। ये अगर करोगे आपका ग्राफिक्स जो है ना मतलब सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर वो गेम को रन करेगा, मतलब आपका गेम और भी स्मूथनेस के साथ चल पाएगा। तो दोस्तों ये एक सेटिंग चला गया। और दूसरा जो सेटिंग है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आपके पास 2-3 GB रैम वाला फोन है, तो ये सेटिंग अगर आप फोन पे अप्लाई करोगे तो उसमें भी आराम से BGMI चलेगा। तो वो करने के लिए आपको करना क्या है, आपको और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा 4x MSAA, ये वाला ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। ये चला गया आपका दूसरा नंबर का सेटिंग। और दोस्तों चलो चलते हैं 3 नंबर सेटिंग की तरफ। उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है आप लोगों को। इधर एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसका नाम है वो है दोस्तों बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इसको आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि बैकग्राउंड में ना आपका जितना भी एप्स रन होता है ना वो इस ये वाला ऑप्शन क्लोज कर देगा, ताकि आपका बैकग्राउंड पे कोई भी एप्स प्रोसेस ना हो और आपका रैम बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है। ये वाला सेटिंग चला गया। और अब चलते हैं 4 नंबर सेटिंग की तरफ। तो दोस्तों ये ना मेरा फोन पे थोड़ा सा अलग सिस्टम से खुलता है, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इधर से ना मैं लेफ्ट साइड से राइट के तरफ स्वीप करूंगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, हाइपर बूस्ट लिख के आ रहा है। तो इधर ना आप लोगों को थोड़ा सा नीचे जाना है, इधर देखो बैलेंस मोड दिखा रहा है ना, इधर आपको आप अगर क्लिक करोगे तो देखो इधर लो परफॉर्मेंस मोड पे अभी मेरा सेट है। तो इधर प्रो गेमर मोड पे अगर आप करोगे तो, और आपका जो फोन का प्रोसेसर है ना वो बहुत मतलब फोर्स करेगा आपका गेम को स्मूथली चलने के लिए, तो उसमें क्या होगा आपका फोन ना बहुत ज्यादा हीट होगा। आपको क्या करना है, बैलेंस मोड पे सेट कर लेना है। ये देखो मैं इधर बैलेंस मोड पे सेट कर लिया। तो दोस्तों ये करने के बाद ये हो गया आपका 4 नंबर का सेटिंग। और लास्ट एक जो सेटिंग है 5 नंबर, चलो वो कर लेते हैं फटक से। तो दोस्तों लास्ट सेटिंग करने के लिए आपको आपका फोन पे जो मतलब फोन मैनेजर करके एक ऑप्शन होगा, ठीक है, उसको ओपन करके इधर आपको ऑप्टिमाइज करके एक ऑप्शन है, इसमें अगर क्लस करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड पे
एप्स रनिंग रहता है ना, वो सारा स्टॉप हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपका गेम बहुत ज्यादा स्मूथली रन कर पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारा एम है 1K, तो गाइस जल्दी कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो लेके, और आपका दिन शुभ हो।